फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैंने कल बताया था एनसीएल एच एम HMM, रिक्रूटमेंट ऑपरेटर की ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है और ये बहुत 2020 के बाद 2023 में जाके वैकेंसियां रिलीज की गई हैं एनसीएल के द्वारा तो इस बार बहुत अच्छा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो लास्ट टाइम एक दो नंबर से रह गए थे दो नंबर पाँच नंबर से तो वो इस बार अपनी बेटर तैयारी कर सकते हैं और सबसे अच्छी खासियत है कि इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है और ये पेपर आपके दस या बारह राज्यों में होगा जिसमें आपका एम है झारखंड है बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी सेंटर इसका बकाया है जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं वो अपना दिल्ली सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ना और राजस्थान भी सेंटर दे रखा है इस बार इसमें तो सेंटर की चॉइस बहुत अच्छी है आप लोगों के पास में आराम से कहीं भी आप जहां आपको पर लगे आप उस स्टेट में सिलेक्ट करके अपनी पाँच चॉइसें फिलअप कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जी के क्योंकि पैटर्न पूरा तरीके से टीचर्स पैटर्न होगा कि इस बार इसका जो पेपर है वो टीचर्स कराया जा रहा है टीचर्स के द्वारा कराया जा रहा है ठीक है ना तो टीचर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं उसी के आधार पर मैंने आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है और मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना वीडियो के लिंक में से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ठीक है ना तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं और मेरे साथ साथ भी सवालों का जवाब देते चलिएगा तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन नाइन वॉज कैरीड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोविंग ब्रिटिश वाइसराय यानी कि 1905 में बंगाल के विभाजन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था लॉर्ड वेवेल लॉर्ड मेयो लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिन लिथिको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और अच्छे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और टी से ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है हर एग्ज़ाम में ठीक है ना तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था किसके द्वारा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर सी और जैसे ही ये पार्टीशन हुआ बंगाल में

ए कौन से युद्ध में चौसा के युद्ध में द वार ऑफ चौसा ठीक है ना अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो फ्रेंड्स ये जो भी परमाणु ऊर्जा के जो हमारे मेन मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे काकरापार एग्जाम पूछा गया ये बहुत दूर पूछा जाता है एग्जाम में तो काकरापार आपका इसका तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है आपका गुजरात ऑप्शन नंबर सी एक आपसे पूछा जाता है कैगा कैगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैगा कहाँ पर है ये आपके कर्नाटका में है एक आपसे पूछा जाता है तारापुर तारापुर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र और एक आपसे पूछा जाता है रावत भाटा रावत भाटा, भाटा इज लोकेटेड इन राजस्थान तो ये इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट चार पांच हमारे जो ये वो है पैट्रोमिक पावर स्टेशन ये आपको याद होने चाहिए ठीक है ना अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो किसी परिपथ में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है कहलाता है यानी एन इंस्ट्रूमेंट डेट कैन डिफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्क इट इज़ नॉन एज ऑडोमीटर स्पीडोमीटर हाइग्रोमीटर या एमीटर तो फ्रेंड आप देखते होंगे जब भी घर में आपके इलेक्ट्रिशियन आता होगा या आप भी आप लोगों से कुछ दो आपके घर में एक, एक एमीटर होता है जब आप करंट फ्लो आपको चेक करना होता सर्किट में तो आप लगाते हैं ना उस पर जब आप उसका क्या नाम है नोट लगाते हैं तो एमीटर से रेटिंग निकाल लग जाता है आपके एम पी आर एम बिली एम पी आर जो भी तो उसका राइट आंसर है आपका एमीटर ऑप्शन नंबर फोर हाइग्रोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइग्रोमीटर क्या करता है जो भी हमारे आद्रता है ठीक है ना ह्यूमिडिटी है ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द उल्लास यानी इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव किस केंद्रीय मंत्रालय ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल की शुरुआत की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर तो का रिसेंटली इसको पूछा गया है एग्जाम के एस एस सी एम टी एस के एग्जाम में सीजीएल के एग्जाम में तो फ्रेंड जो उल्लास योजना है ये किस मंत्रालय के तहत इनिशिएटिव है तो ये है इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑप्शन नंबर ए अब आपके लिए क्वेश्चन ये है अगर आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान से तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके वर्तमान में हमारे मिनिस्टर कौन है यानी इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री वो कौन है ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत में बने सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसे मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था वाट इज द नेम ऑफ ए सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया विच इंस्टॉल्ड एट आई आई टी रूड की इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू परम ब्रह्मपुत्र परम प्रकृति परम गंगा या परम पानिनी आप बताइए फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे पढ़ने को और ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन टीचर्स पूछता है आपसे ये मैं सोचेगा कि दो हजार तेईस में दो हजार तेईस का एक करंटर पूछेगा वो आपको दो हज़ार बाईस में पूरा करंटर पूछ लेगा और यह क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा आप केंगे कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ जब आप सब और चैनल पर जाकर पढ़िएगा और मेरा कंटेंट देखिएगा और अदस लोग कांटेंट देखिएगा तो आपको खुद फर्क पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना ना कि व्यूज पाना भैया मैं तो कहता हूँ मेरे चैनल दस ही व्यूज आए लेकिन दस जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए मेरा मकसद ये रहता है कि आपको जॉब मिले क्योंकि आपको नौकरी मिलेगी तो आपके माँ बाप का सर गर्व से उठा ऊँचा उठेगा उनको प्राउड होगा कि यार हमारा जब गवर्नमेंट जॉब लग गई ठीक है ना तो ये आप पर डिपेंड करता है आप अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हैं ठीक है ना तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका परम गंगा ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भले ही दो बाइस का करंट अफेयर है लेकिन इसको दो हजार तेईस में बहुत एग्जाम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को ठीक है ना अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में, में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है विथ रेफरेंस टू फॉसिल एनर्जी सोर्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मिथेन एथिलीन एथिलॉल या एथेनॉल तो फ्रेंड्स आप सबको पता इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर आपका मिथेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है एक एथेनॉल है एथेनॉल क्या होता है सी टू एस फाइव एच जिसको हम एल्कोहली बोलते हैं ठीक है ना अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में डैश राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 बाय डैश पॉलिटिकल वर्कर 74, 72, 76, 75 यानी कितने मेंबर ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी अब बताइए ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ाएगा एग्जाम में कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पर तो मुझे बताइएगा तो फ्रेंड्स कितने लोग थे ये क्वेश्चन जो मेरे मैंने पहले ही पढ़ा है था आपको एग्जाम में क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे एग्जामों में इसका राइट आंसर है सेवनटी टू सेवनटी टू मेंबर्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुआ था इसकी नींव रखी गई थी कहाँ पे बॉम्बे में और इसके जो पहला सेशन जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था जिसको प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा व्योमेश चंद बनर्जी के द्वारा इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद बनर्जी और ये किसके वाइस शासनकाल में हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है ना अगला क्वेश्चन है ग्यारह जुलाई को हर साल डेस्क के रूप में मनाया जाता है ग्यारह जुलाई एलेवन जुलाई इज ऑब्जेक्ट एज एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या वर्ल्ड वाटर फ्रेंड्स क्वेश्चन हिंदी इंग्लिस दोनों में है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ठीक है ना तो फ्रेंड्स ग्यारह जुलाई जो है ये हमारा है इसका राइट आंसर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जनसंख्या भारत जो जन, की जो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी तो उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1872 से फर्स्ट इंडियन सेंसस जो हुआ था 1872 में हुआ था उस समय जो हमारा वाइसराय था वो कौन था लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये भी आपको रखना है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप कह रहे लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिसाइडेड सेंसस इन इंडिया ठीक है ना अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट बना शाहजहां बाबर या औरंगजेब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा फिलहाल जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर इब्राहिम लोदी को हरा के जो पहला मुगल एम्पायर था वो था आपका बाबर तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तो तक घुमा के है लेकिन मुगल सम्राट की जो नींव रखी बाबर ने वो कौन से युद्ध के बाद रखी थी तो आपने पढ़ा होगा युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो वो कब हुआ था 1526 में ये ईयर आपको याद रखना है इसी वार में इसी युद्ध में जो बैटल हुआ वारे क्या करा बाबर ने क्या करा इब्राहिम लोधी को हरा दिया जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था लोधी वंश खत्म हो गया और हमारा मुगल एम्पायर एंड मुगल एम्पायर की ने नींव रख दी फाउंडेशन रख दी तो पहला जो हमारा बना बना बाबर बना, फिर जहांगीर बाद औरंगजेब आया अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दो हजार तेईस पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा विच ऑफ दिल हॉस्टी ट्वेंटी थ्री मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप महाराष्ट्र उड़ीसा कर्नाटका उत्तर प्रदेश तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जो मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप है ये किसके द्वारा कराया गया ये उड़ीसा के द्वारा कराया गया ऑप्शन नंबर सेकेंड और उड़ीसा में ही उड़ीसा दो तीन चीज़ आपको याद होना चाहिए इसमें यहाँ एक वो होता है एक सबसे अच्छा टेम्पल है बहुत ही फेमस टेम्पल है वर्ल्ड फेमस टेम्पल है उसका नाम है कोणार्क कोणार्क सन टेम्पल वो आपको उड़ीसा में ही और यहाँ की एक पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि वर्ल्ड फेमस है वो भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है और यहाँ पे फसल त्यौहार है नुआ खाई वो भी उड़ीसा का ही हमारा त्यौहार है ठीक है ना अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है वट इज द सेक्स देशो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस ट्वेंटी ट्वेंटी इलेवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यह रखना है इंडियन ट्वेंटी इलेवन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनगणना दो हजार ग्यारह से और हर एग्जाम इसको इस ये इस, टीचर्स के द्वारा जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको इसके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप करा तो दूंगा ही फिलहाल आप से इसकी तैयारी करके जाइएगा एग्जाम में तो फ्रेंड जो हमारा लिंगानुपात है वो कितना है प्रति हजार पुरुषों पर 940 महिलाएं यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 940 फोर्टी फीमेल्स पर हंड्रेड वन थाउजेंड मेल्स ठीक है ना अगला क्वेश्चन है और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है और सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है सेक्स सबसे बेटर कहाँ का है तो आप कहेंगे केरला स्टेट का तो और सबसे बैड वर्स कहाँ का है वह तो हरियाणा का है ठीक है ना अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम इज इजे क्लासिकल डांस फ्रॉम विच ऑफ द इंडियन स्टेट तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे टोटल जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके द्वारा आठ क्लासिकल डांस को मान्यता प्राप्त करी गई है यानी आठ हमारे क्लासिकल डांस है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत नट्ट तो तो कितने क्लासिकल डांस है तो आठ क्लासिकल डांस है उसमें से एक है हमारा भरतनाट्यम भरतनाट्यम जो है ये आपका है तमिलनाडु से ऑप्शन नंबर सेकेंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है कथक कली एक होता है कथक एक होता है कथक कली कथक अगर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश इधर ज्यादा होता है और कली लग गई अगर केरल की कली कथक कली ऐसे याद कर लीजिए केरल की कली कथक कली तो कथक कली पूछेगा तो आप केरल लगाएंगे कथक पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश वगैरह जो एरिया अपना जाता है उसका बाद एक हमारा ओडिसी डांस है वो तो नाम है ओडिसी यानी उड़ीसा का है एक हमारा मणिपुरी है तो वो मणिपुर से हो गया उसके बाद एक हमारा सत्रिया असम का है आपका एक हो गया आपका भरतनाट्यम भारत नट्ट कुी कुचीपुड़ी बहुत आंध्र प्रदेश का कौन सा है कुचिपुड़ी कुचीपुड़ी ठीक है ना तो ये हो गया आपके एक है मोहिनीअट्टम वो भी केरला का टोटल मिला के आठ बहन आपको बता दिए अगला क्वेश्चन है किस समिति ने, कि ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया विच कमेटी सजेस्टेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सरकारी कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी

कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता था बयालीसवा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन क्लॉज सब क्लॉज ए ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं यहाँ से और यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और समय प्रधानमंत्री कौन थी प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी ये भी आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पहला कालिदास सम्मान किसने जीता हु ऑन द फर्स्ट कालिदास सम्मान इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल डांस आप बताइए क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलेगा ये किसी बुक में आपको सवाल नहीं मिलेगा मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा बुक का रट के पढ़ के जाओगे कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे मेरी इस बात को मानना आपको वो क्वेश्चन पढ़ने जो ट्रेंडिंग में हैं ठीक है ना और ये क्वेश्चन हर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं तो फ्रेंड्स क्लासिकल डांस में सबसे पहला जो हमारा जो क्या था कालिदास सम्मान दिया गया था कालिदास सम्मान पहले तो आपको पता होता है कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है ये प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है ठीक है ना जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सिंगरौली एनसीएल जो है मध्य प्रदेश में ही है और आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बहुत फेमस ही है रुक्मणी देवी अरुणेल भरत नटंगी बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर है ये ठीक है ना अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है जो आपके घर के किचन में मिल जाएगा आपको ठीक है ना इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है आपका so, एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है तो आपका आंसर लगाना है बेकिंग सोडा खाने का सोडा ठीक है ना और आप जानते ही कैल्शियम सल्फेट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दो सौ इकसठ ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था हु एमंग द फॉलोइंग मॉरन रूलर हाउ द कलिंग वार इन टू सिक्सटी वन पिक्स बी सी अशोक बिंदुसार या ब्रहदर्थ या चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड तो इ... और इसमें बहुत ही फेमस हमारा एम्परेर भी है उसका नाम है अशोक अशोक ने ही कलिंग वार लड़ा था कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है उड़ीसा में ये एरिया पड़ता था ठीक है दूसरा क्या है इस इस युद्ध के बाद ही इसने क्या करा बौद्ध धर्म को अपना लिया था यानी जब उसने देखा था नरसाहर मैंने कर दिया तो लोगों मैंने मार दिया और मुझे बदले में क्या मिला तो उसका क्या हुआ इसका हृदय परिवर्तन हुआ इसको लगा नहीं आया मैंने बहुत गलत काम किया है तो उसने ये सब ये बार सब फिर युद्ध सब छोड़ दिया इसने और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और आज जो बौद्ध धर्म फैला है भारत से बाहर श्रीलंका में बहुत अदर देशों में उसका श्रेय अशोक को ही जाता है अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य बहुत ज्यादा किया था ठीक है ना अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड एंडक्ल्टी बिफोर द लॉ आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल फोर्टी टू आर्टिकल सिक्सटीन या आर्टिकल फोर्टीन तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है आर्टिकल तो आपको अच्छे अच्छे याद होने चाहिए भैया कॉन्स्टिट्यूशन से और टीसीएस समझ लीजिए संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल ज्यादा पूछता है वो तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल फोर्टीन ऑप्शन नंबर ठीक है 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 ना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी खिलजी द्वारा निर्मित जहाज जहाज महल महल में स्थित हैं बिल्ड बाय लोकेटेड इन मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश राजस्थान तेलंगाना तो अगेन इस का जो राइट आंसर है, वो है और जहां के आप तैयारी धार यहीं पे ये पड़ता है जहाज महल ठीक है अब ये बताइए ये बुक में कहीं आपको मिलेगा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा अगला क्वेश्चन है 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ सेवन बॉम्बे कलकत्ता शिमला मद्रास तो फ्रेंड्स सेवन का जो चार्टर एक्ट आया था इसके तहत जो पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां था वो था हमारा कलकत्ता में ऑप्शन नंबर सेकेंड और कलकत्ता से उसको नई दिल्ली कब लाया गया ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था अपनी पुरानी वीडियो में अगर आपको याद हो तो सवाल का जवाब आप होमवर्क का मेरे को देंगे ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो के एक डेमो था आपके लिए कि कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेवल अच्छा रहेगा तभी आप सिलेक्शन पाएंगे ठीक है ना तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हम इसकी रेगुलर क्लास ऐसे चलाते रहेंगे बीच में भी पढ़ाएंगे आपको और एलिमेंट्री नॉलेज पेट्रोल डीजल इंजन भी पढ़ाऊंगा उस पर सेपरेट लेक्चर दूंगा बगर तो उसको तो पहले लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको फिर धीरे धीरे उसके क्वेश्चन कराऊंगा तो मैथ भी कराऊंगा जेके जिस हमारा चलता रहेगा तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में